किसी समय एक गांव में गौतम बुद्ध एक समर्थ गुरु के रूप में जाने जाते थे। वहां एक व्यक्ति आया और उनसे पूछा, गुरुदेव मुझे ज्ञान का सबसे अनमोल सिक्का दें जिससे मैं जीवन में सफलता प्राप्त कर सकूं। बुद्ध ने वह व्यक्ति को एक सिक्का दिया और कहा, इस सिक्के की मूल्यता को समझने के लिए तुम्हें एक गांव जाना होगा। वहां इस सिक्के को किसी भी तरह बेचने की कोशिश मत करना। व्यक्ति ने गुरु की सलाह मानी और उस गांव की ओर रवाना हुआ। वह गांव में पहुंचकर एक दुकानदार के पास गया और सिक्का बेचने का प्रयास किया। दुकानदार ने उसके बारे में जानकारी ली और उससे पूछा, तुम्हारे पास कोई और सिक्का है? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मेरे पास केवल यह एक ही सिक्का है। दुकानदार ने उसे सिक्का का उत्तरदाता बताया और उसे बताया कि वह इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकता है। फिर उस व्यक्ति ने विचार किया और दुकानदार के पास वापस गया। दूसरे दिन वह एक और दुकान में गया और फिर कोशिश की, लेकिन उसे भी वही जवाब मिला। उसने यही क्रिया कई और बार की, परंतु सभी दुकानदारों ने उसको उसी जवाब दिया कि उनके पास कोई और सिक्का नहीं है। व्यक्ति बहुत निराश हो गया और अंततः गुरु के पास वापस गया। उसने बताया कि कोई भी दुकानदार उसे सिक्का का उत्तरदाता नहीं मानता। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव मैंने कितने भी कोशिश की लेकिन कोई भी मेरे सिक्के को नहीं मानता। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तुम मुझे उस गांव में वापस ले जाओ और उस सिक्के को खोजने की कोशिश करो। व्यक्ति हैरान हो गया लेकिन उसने गुरु के आदेश का पालन किया। वह उस गांव में पहुंचा और खोजने लगा। वह एक दिन एक वृद्ध आदमी से मिला जो उसे सिक्का का उत्तरदाता बताया। वह वृद्ध आदमी उस सिक्के को बेचने के लिए तत्पर था, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें इस सिक्के की मूल्यता बताऊंगा लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। व्यक्ति उस वृद्ध आदमी की सहायता करने के लिए तैयार था और उसने उसकी सहायता की। उस वृद्ध आदमी ने उसे बताया कि सिक्के की सच्ची मूल्यता उसके आत्मविश्वास, संघर्ष और संघर्ष करने की क्षमता में है। जब व्यक्ति ने यह समझा तो उसने उस सिक्के की मूल्य को समझा और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली मूल्यता हमारे अंदर है। हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना चाहिए, संघर्ष करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और हमें अपनी मेहनत से सफलता को हासिल करना चाहिए। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें जीवन में सच्ची प्रेरणा और दिशा प्रदान करती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।